नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हम सफर। वंस अगेन वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। ज्यादा बकबक, ज्यादा नाटक ना करते हुए सबसे पहले ही टॉपिक पे आता हूं, जो काम का बात है वही शुरू करता हूं। अगरबत्ती का बिजनेस मैं भी करता हूं, आप लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अगरबत्ती का बिजनेस नया चालू करने जा रहे हैं, वो लोग एक गलती कर बैठते हैं। उसी गलती के ऊपर आज बात करेंगे, और साथ ही साथ नए स्टार्ट करने वाले लोग कैसे मार्केट पकड़ सकते हैं उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करेंगे आज चैनल मेड इन इंडिया पर। पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से हम लोग अगरबत्ती बिजनेस में आगे चल नहीं पाते। वो गलती क्या है? वो गलती है हमारे सोच में, आपके सोच में। कैसा सोच? आप लोग जब भी ये अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप लोग सोचते हैं मैं एक ब्रांड बनाऊंगा, मेरा ब्रांड भी साइकिल ब्रांड की तरह चलेगा, सब लोगों के घर घर में मेरा अगरबत्ती होगा, मैं जेट ब्लैक की तरह माल दूंगा, ये सोचते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी पेड़ से फल को तोड़ना है तो पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो आप सबसे पहले तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे से उठना पड़ता है। तो ये जो नीचे से उठने का बात है ना, उस तरीके से आप लोग नहीं सोचते, यही आपका सबसे बड़ा गलती है। तो ये ब्रांड बनाने के चक्कर में आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छा खासा सा बॉक्स हो, पाउच हो, प्रिंट कर लेते हैं। और सोच में और एक गलती है, भाई मेरा प्रोडक्ट यूनिक होगा, सर आप मेरे को कुछ यूनिक वाला परफ्यूम बना के दीजिए। ये आपका सोच का गलती है। क्यों गलती है, उस पर चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको आंखों पे उंगली रख के दिखा देते हैं। आप मार्केट में नया नया बिजनेस करने आ रहे हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले आप देखो मार्केट में अगरबत्ती का जो कस्टमर्स है वो किस कैटेगरी के कस्टमर्स है, उसके बारे में आप लोग पहले एनालिसिस करो। कस्टमर्स को हम तीन कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एकदम नीचे वाला जो कस्टमर है, जिसके पास पैसा कम है, जिनको हम लोग बोलते हैं पुअर पीपल। तो जो लोग एकदम नीचे वाला कस्टमर्स है, मतलब पुअर पीपल है, वो लोग कैसा अगरबत्ती मांगते हैं? ब्रांडेड नहीं मांगते। मांगते नहीं मांगते, क्या मांगते? थोड़ा सा खुशबू हो चल जाएगा, कम दाम में ज्यादा काठी, जैसे कि 5 रुपए में 25 काठी, 10 रुपए में 40 काठी, 10 रुपए में 50 काठी मांगता है ना, इसका डिमांड हर वक्त है, चाहे वो काठी ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। नॉन ब्रांडेड हो तो भी चलेगा, सही बोल रहा हूं। नेक्स्ट आता है मिडिल क्लास कस्टमर, वो लोग क्या मांगते हैं? भाई थोड़ा बहुत काटी हो, खुशबू मोटा मोटी अच्छा हो, चल जाएगा। ब्रांडेड भी वो लोग लेते हैं, लेकिन लेने के बाद सबसे है ब्रांडेड तो है लेकिन इतना कम काटी है, खर्चा हो जाएगा, कितना दिन चलेगा ये पैकेट, ऐसा सोचते हैं। और एक है रॉयल कस्टमर, हायर कैटेगरी, पैसा वाला, अग्रवाल, झुंझुन वाला, दारू वाला, ये सब है ना। वो लोग क्या मांगते हैं? नहीं मैं अगरबत्ती जलाऊंगा, भगवान को दूंगा,
तो मुझे ज्यादा पैसा खर्चा करना है, चाहे 10 रुपए में 2 काठी दो, 10 काठी दो चल जाएगा, लेकिन खुशबू अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, उसका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, ऐसा सस्ता। तो इस चीज पे ना आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आप लोग, मैं एक अच्छा खासा पैकेट बनाऊंगा, बहुत अच्छा परफ्यूम होगा, ये सोचते हो, यही आपका गलती है। हमारे देश में ज्यादा कस्टमर्स कैसे हैं? पुअर पीपल, कम दाम में ज्यादा काठी। तो आप लोगों को भी स्टार्टिंग पे यही करना है, कम दाम पे ज्यादा काठी, पैकेजिंग ऐसा करना हो जो आपके कंट्रोल पे हो, जो पैकेजिंग आप कम पैसों में कुछ लेवल बना के हो, सेलोफेन पेपर में हो डाल के आप दे दो, ले लेगा, लेकिन काठी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 5 रुपए में 25 काठी देके एक सेलोफेन पेपर में एक लेबल डाल के एक पैकेट बनाते हो ना, धड़ाधड़ चलेगा, धड़ाधड़ चलेगा, धूम मचा देगा मार्केट में, लेकिन उसके तरफ आप नहीं जाते हो। आप क्या सोचते हो, मैं कुछ यूनिक करूंगा, बहुत बढ़िया खुशबू दूंगा। अरे भाई, तुम मार्केट में नए हो, नए पैसे को रोलिंग करना स्टार्ट करो। तो कम दाम पे ज्यादा काठी देने का जो तरीका है उस पे ध्यान दो। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ टेक्निक अप्लाई करना है, सोच के देखना है, क्या करने से मैं एक काठी का कॉस्टिंग, एक सेंटेड काठी का कॉस्टिंग 8 रुपए, 8 पैसा, 7 पैसा, 6 पैसा में ला सकता हूं, के 5 रुपए में अगर आप 20 काठी देते हो तो 1 रुपया 20 पैसा में काठी बन जाएगा, है कि नहीं? 5 रुपए में अगर 20 काठी देते या 25 काठी देते हो तो 1.5 रुपया में काठी का खत्म। और रहा पैकेजिंग, कोशिश करो 25 पैसा के अंदर में पैकेजिंग कंप्लीट हो जाए, एक सेलोफेन पेपर का पाउच और एक लेवल, लेवल 10 पैसा, पाउच 15 पैसा, 15 पैसा मतलब सेलोफेन पेपर 15 पैसा में आ जाएगा, तो 25 पैसा, तो 1 रुपया 75 पैसा में आपका कंप्लीट हो गया। तो 1 रुपया 75 पैसा इंटू 12 कितना हुआ, 12 रुपया, और 9 रुपया, 21 रुपया में, 5 रुपए में 20 काठी देके आप डजन रेडी कर सकते हो। उसको अगर आप 38 रुपीज में मार्केट में छोड़ोगे, आराम से वो चलेगा। अगर लेबर का जरूरत हो तो और 3 रुपया ऐड कर लो पर डजन, एक डजन माल लेबर 3 रुपया में कर देगा, है कि नहीं? लेकिन उसका खुशबू अगर थोड़ा बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो आपका काठी मार्केट में धूम मचा देगा। तो इस चीज पे ध्यान दो। कैसे ध्यान देना है मैं बताऊंगा आपको, रुको भाई, अभी आगे और भी है। तो आपको इस चीज पे सबसे पहले ध्यान देना है कि मैं कम दाम में ज्यादा काठी दूंगा। फिर आप ट्राई करो 10 रुपए का पैकेट, 10 रुपए में 40 काठी देने का कोशिश करो, ठीक है। अगर उस काठी का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाओगे तो 35/6 × 10 रुपीज दे सकते हो। प्रोसेस मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको अपने दिमाग से ये जो अच्छा वाला पैकेट छपवाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाओ, लेवल बनाओ, ठीक है। लेवल बना के उस लेवल को देके सेलोफेन पेपर के अंदर में पैकेजिंग करो, हो गया ये बात। दूसरी बात, ये जो सस्ता का काठी बनाने का जो टेक्निक है, ये इसके लिए आपको कुछ स्पेशल चीजें जानना होता है।
आप गौर से सुनिए, आप अगरबत्ती का जो मसाला है उसका जो कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग को अगरबत्ती के मसाले के साथ ऐसा कुछ चीज मिला सकते हैं जिससे मसाला का क्वालिटी बढ़ेगा, मसाले का बर्निंग इशू, जलने का जो प्रॉब्लम वो एकदम नहीं रहेगा, लेकिन मसाले का कॉस्टिंग भी कम होगा। ऐसे भी कुछ चीज है हम लोगों के हाथ के सामने, उसको आपको यूज करना होगा आपके मसाले पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। दुनिया में कोई भी चीज जिसका स्वाद मीठा हो, मीठा, उसको मसाले के साथ मिला दो। फल नहीं, जैसे कि चीनी हो, गुड़ हो, गुड़ मार्केट में 30 रुपया किलो मिलता है। आप 1 किलो मसाले में 200 या 300 ग्राम गुड़ डाल दोगे ना, मसाले का कॉस्टिंग भी कमेगा, काठी का काउंटिंग भी बढ़ेगा और काठी का बर्निंग इशू भी कम हो जाएगा, क्योंकि गुड़ में कार्बन है, मीठा है, गुड़ जलाओ काला काला कार्बन हो जाएगा, जलने का सहायक है गुड़, इनफ्लेमेबल है, जागरी जागरी, ठीक है, तो उसको आप मिला सकते हो। ये एक टेक्निक बता दिया। और अभी बात हुआ के बात रहा के परफ्यूम, परफ्यूम में कैसे फैलाव लाओगे, किस तरीके से करने से, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी जो लोग नया अगरबत्ती का बिजनेस चालू करना चाहते हो, मेरा इस फोन नंबर पे भी फोन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग अपने दिमाग से ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाओ, मतलब ब्रांडिंग करो, ठीक है, लेकिन वो जेट ब्लैक की तरह, साइकिल पैड की तरह पैकेट मत छपवाओ, उस चक्कर पे मत जाओ, अपना पैकेट खुद तैयार करो, मेरे को फोन करो, मैं डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो पे इतना बताना पॉसिबल नहीं। अभी ऑलरेडी ये वीडियो मेरा 12 मिनट हो चुका है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। अच्छा अभी सुनिए, जो अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं कि मैं एक एनजीओ एस्टैब्लिश कर रहा हूं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इस एनजीओ का पर्पस है यूथ एम्पावरमेंट। एनजीओ का नाम अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं बाहर पे कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरा ये जो कारखाना है ना इसके बाहर में रास्ता है, हाँ, लोगों का आवाज भी आप लोगों को सुनाई देगा, बाहर में पूजा पैंडल का सब लोगों का शोर शराबा भी सुनाई देगा, ऊपर से प्लेन जाता है उसका भी शोर सुनाई देगा, थोड़ा माफ कर देना। तो सुनिए काम का आवाज सुनिए, तो मैं एक एनजीओ एस्टैब्लिश कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं जहां पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर रहा हूं, जहां पे हम लोग अगरबत्ती, सस्ते का अगरबत्ती कैसे हम लोग कम दाम में मोटा मोटी अच्छा सेंड वाला अगरबत्ती तैयार कर सकते हैं वो सिखाएंगे, और सस्ते में परफ्यूम बनाना भी सिखाएंगे, और ऐसे भी कुछ टेक्निक सिखाएंगे कि आप लोग ऐसे भी कुछ टेक्निक सिखाएंगे कि आप लोग अच्छा वाला जो अगरबत्ती है, अच्छा क्वालिटी वाला अगरबत्ती हम लोग कितने सस्ते में तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर भी ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग का कॉस्टिंग थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस ट्रेनिंग पे आप लोगों को जो सिखाया जाएगा वो आप लोगों को जिंदगी भर आपके काम आएंगे, और ये ट्रेनिंग करने के बाद
आप लोग अपना जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे, वो प्रोडक्ट हमारे एनजीओ के जरिए ऑल ओवर इंडिया पे सेल कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पैसे का नहीं, सिक्योरिटी का और क्वालिटी का, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारे ट्रेडिंग सेशन पे। अभी रेगुलरली हम लोग वीडियो छोड़ते रहेंगे, हमारे चैनल पे नजर रखिए, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। ये मैं पार्ट वन पे ये बता दिया, एक दो दिन में मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा, वहां पे और भी डिटेल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट।